वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पेपर का दूसरा यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पहला यूनिट पढ़ा था, तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नए नए वीडियोज़ के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम इसका सिलेबस के बारे में जानें कि यूनिट सेकेंड में क्या क्या सिलेबस है। फ्रेंड्स स्टूडेंट, हमने पहले ही इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था यूनिट फर्स्ट में। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश ने किस प्रकार से, पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, तो हिमाचल प्रदेश अंडर चीफ कमिश्नर सिस्टम में कैसा था, उसके बाद हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग यूनियन टेरिटरी पीरियड में, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हिमाचल प्रदेश एट द टाइम रीऑर्गेनाइजेशन, और जो प्रेजेंट सिस्टम है हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन का एट स्टेट लेवल, डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल पे किस प्रकार से हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस पूरे यूनिट में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि हिमाचल प्रदेश अंडर चीफ कमिश्नर सिस्टम के अंतर्गत कैसे था। तो एज वी ऑल नो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट हैड ए डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो पहले के प्रिंसली स्टेट थे उनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक सिस्टम वो बिल्कुल अलग था, क्योंकि सब चीजें तो सब भाग थे, जो एरियाज तो डिवाइडेड थे, हर राजा हर एरिया वाइज उस प्रकार से उनका रूल था, उसका रेगुलेशन था, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो उस पूरे सिस्टम को हमने इकट्ठा करना था और एक यूनिफाइड सिस्टम या यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हमने चलाना था पूरे स्टेट के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश की जो इंटीग्रेशन या उसका एकीकरण किस प्रकार से हुआ है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, हमने पिछले कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में पढ़ा, हमने इंटीग्रेशन किया है 26 जो शिमला के हिली स्टेट्स थे और साथ में जो चार पंजाब के हिली स्टेट को हमने मर्ज करके चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया 15 अप्रैल 1948 को, और जिसका हिस्टोरिकल या जो हेडक्वार्टर जो फॉर्म किया गया वो ब्रिटिश इंडिया के फॉरेन ऑफिस में शिमला में। और उस टाइम हमारे जो पहले चीफ कमिश्नर बने थे प्रोविंस के, वो बने थे मिस्टर एन सी मेहता, और साथ में उनके साथ थे डिप्टी कमिश्नर ई पेंड्रल मून, और ये दोनों लोग जो थे ये इंडियन सिविल सर्विसेज थे के लोग थे। और ऑन 30 सितंबर 1948 में हमने एक एडवाइजरी काउंसिल भी बनाया, और इस एडवाइजरी काउंसिल का काम था कि एडवाइज करे चीफ कमिश्नर को, अपनी एडवाइस दे, अपनी राय दे। और साथ में क्या था इसमें, जो काउंसिल में जो लोग थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को जानना कि जब आज के टाइम में जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है या कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस है, जहाँ पे जिन लोगों से सरकार बनती है वो अपनी राय देते हैं, उन राय को मानना भी जरूरी होता है, उनके वोटिंग होती है, जब उस प्रकार से मेजोरिटी वोट नहीं मिलते हैं तो उस लॉज या रूल रेगुलेशन को पास नहीं किया जाता। लेकिन जब चीफ कमिश्नर प्रोविंस था, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे लोग थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, उनकी जो बात को सुना नहीं जाता, उनकी बात को सिर्फ सुना जाता था पर उस पर गौर नहीं किया जाता था, हम कह सकते हैं। तो इस काउंसिल में जो लोग थे उसमें कौन कौन से लोग थे, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया। इसमें थे अर्स्टवाइल जो पहले के जो प्रिंसली रूलर थे, जो राजा थे, तीन राजा थे और साथ में छह जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोगों के। लेकिन ये सारे लोग जो ये इलेक्टेड नहीं थे, ये नॉमिनेटेड थे, ये अंग्रेजों के द्वारा ही चुने गए थे, और बोल सकते हैं कि उनके पास जो रियल पावर या डेमोक्रेटिक पावर नहीं थी। तो चीफ कमिश्नर जो है था उसके साथ बहुत सारे लोग काम करते थे, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी होता था, एक असिस्टेंट सेक्रेटरी होता था, एक सेक्रेटरी जो होम और रेवेन्यू के बारे में काम करता था, उसके बाद सेक्रेटरेट होता था, और उस टाइम जो हिमाचल का जो सेक्रेटरेट था उसका नाम दिया गया था उसको हिमाचल धाम। और अब हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या डिपार्टमेंट्स को डिवाइडेड किया गया था। जो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था वो इस प्रकार से डिवाइड किया गया था, उसमें था चीफ कमिश्नर जो फाइनेंस कमिश्नर की तरह काम करता था, चीफ कमिश्नर फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर के लिए भी था, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज के बारे में था, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन था, प्रिंसिपल ऑफ इंजीनियरिंग ऑफिस जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आज के टाइम में हमारे पास काम करता है, उसके बाद डायरेक्टर ऑफ पंचायत भी था, जनरल मैनेजर ऑफ ट्रांसपोर्ट भी था, डेप्टी वार्डन ऑफ फिशरीज का था, एक्सरसाइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर था, वेटनरी ऑफिसर क्रिएट किया गया था, और पुलिस डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया था। और इस पूरे सिस्टम को बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी उस टाइम जब एडमिनिस्ट्रेशन या चीफ कमिश्नर सिस्टम जब क्रिएट किया गया था। जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे सामने आई थी वो ये थी कि जो जितने भी लोग जो
स्टाफ के अंदर थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर काम कर रहे थे, वो ज्यादा से ज्यादा या तो इंडियन सिविल सर्विसेज से आए थे या तो पंजाब सिविल सर्विसेज में आए थे। पर वो जब इंडियन सिविल सर्विसेज के बाद आने के बाद हिमाचल में आए और पंजाब सिविल सर्विसेज के बाद हिमाचल में आए, तो उनके जो पे स्केल या अलाउंसेस जो उनको मिलता था, जो सैलरी मिलती, तो उसको फिक्स करने के लिए कोई एक बोल सकते हैं कि सही प्रकार से उनका सिस्टम बना नहीं था, एक मशीनरी या क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। तो उससे क्या हुआ था, जितने भी लोग थे वो अपने ही कामों में उलझे रहते थे कि हमारा सैलरी कितने बनेगी, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन या अलाउंसेस कितनी रहेगी। तो इस प्रकार से जो लोग इसमें लाए थे वो उस प्रकार से काम नहीं कर रहे थे स्टेट के अंदर जिस प्रकार से उनको काम करना चाहिए था। तो उस प्रॉब्लम को देखते हुए क्या किया गया कि आर एस भंडारी आए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से डेपुटेशन बेस में, और उन्होंने इस मैटर को देखा कि किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के सिविल सर्वेंट है उनकी जो पे को फिक्स किया जाए, उनको सीनियरिटी को फिक्स किया जाए। अब नेक्स्ट कदम था कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिमाचल ड्यूरिंग यूनियन टेरिटरी पीरियड। तो आपने देखा कि जब पार्ट चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था तो किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था या क्या क्या खामियां थी, अब यूनियन टेरिटरी पीरियड में क्या क्या हुआ वो इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो एनेक्टमेंट हुआ गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट एक्ट, पार्ट सी स्टेट एक्ट का एक एक्ट बना 1951 में। तो 1951 अलग है, आपने साथ में देखना है इसको। तो इससे क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। और इस स्टेटस में क्या हुआ, चीफ कमिश्नर जो सिस्टम हमने या स्टेटस जो बनाया था उसको हमने एबॉलिश कर दिया, इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ यूनिट फर्स्ट में। और इसको एबॉलिश करके या इसको खत्म करके रिप्लेस किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो पोस्ट या स्टेटस कब क्रिएट किया गया, ये 1 मार्च 1952 में। और साथ में इस एक्ट ने एक सिस्टम को क्रिएट किया जिसका नाम दिया चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल सकते हैं कि एक अर्ध लोकतांत्रिक सिस्टम क्रिएट किया जिसमें हमारे लोग जो थे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मिलकर काम करते थे, उसको अपने उनको अपनी एडवाइस देते थे, उनके साथ डिस्कशन करते थे, लेकिन रियल पावर फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास ही रहती थी, चीफ काउंसिल जो मिनिस्टर थे उनके पास नहीं होती थी। और उसमें क्या किया, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को उसका हेड बनाया गया और साथ में दो अलग और भी मिनिस्टर उनके साथ मिलाए गए, उनका नाम था पंडित पद्म देव और साथ में थे गौरी प्रसाद। और पंडित जयवंत राम जो हमारे पहले जो फर्स्ट इलेक्टेड स्पीकर बोल सकते हैं हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के बने, और मार्च 24, 1952 में एनसी नंदी जो थे पार्लियामेंट से आए थे, यूनियन गवर्नमेंट से आए थे, वो पहले सेक्रेटरी बने हमारे असेंबली के, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, जो मीटिंग थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको कौन प्रिजाइड करता था, जो पहली मीटिंग हुई थी उसके बाद हमारे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के साथ, जब भी जब हाउस बैठता है जैसे कि हमारे विधानसभा बैठता है, तो उसका आज के टाइम में उस हाउस को चलाने के लिए जो अध्यक्ष होता है जिसके जो मीटिंग जिसके अंतर्गत चलती है, तो वो चलती है गवर्नर के थ्रू। तो उस टाइम में पहली जो मीटिंग हुई थी वो चली थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत। तो अब ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, आज के टाइम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होता गवर्नर होता, तो उस टाइम जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसको कॉन्स्टिट्यूशन हेड नहीं मानते थे, वो एक नॉमिनी था यूनियन गवर्नमेंट का, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हेड नहीं था। तो पहला चीफ सेक्रेटरी उस टाइम कौन बना हमारा, वो बना कुलदीप नलेन, जो कि कुलदीप नलेन चन्ना जो कि आईएएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश कैडर के, और जिन्होंने जो अपना ऑफिस कब ज्वाइन किया वो किया सितंबर 26, 1955 में। तो इसी प्रकार से अब पुलिस प्रशासन को ऑर्गेनाइज करने के लिए या सही सुचारू रूप से चलाने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिस्टर ए गुप्ता जो आईपीएस ऑफिसर थे उत्तर प्रदेश कैडर के, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का चार्ज लिया मार्च 5, 1955 को, ताकि वो हिमाचल प्रदेश की जो पुलिस सिस्टम है, वो ऑर्गेनाइजेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसको सही प्रकार से चला सके। उसके बाद डियर फ्रेंड्स क्या हुआ कि पहला फर्स्ट फाइव ईयर प्लान बनता है, और पहला फर्स्ट ईयर फाइव जो प्लान वो स्टार्ट होता है 1951 और 1956 के बीच में चलता है। और जो पहला बजट हमारा बनता है तो उस बजट में कितना पैसा जो दिया जाता है वो इस प्रकार से, वो है 5.64 करोड़। और इस पहले बजट में जो प्रायोरिटी या ज़्यादा जोर किस पे दिया गया था, वो दिया गया था कि हमने रोड की कंस्ट्रक्शन करनी है, एजुकेशन पे ध्यान देना है, ट्रांसपोर्ट पे ध्यान देना है, एग्रीकल्चर पे ध्यान देना है, और साथ में मेडिकल और पब्लिक हेल्थ पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट मूव जो हुआ स्टेट हुड के लिए, जो हमने प्रयास कर रहे थे या स्ट्रगल कर रहे थे, अब नेक्स्ट मूव इस प्रकार से था।
अब हिमाचल प्रदेश अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, जैसे कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में पढ़ा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना जिसमें हमने डिमांड की स्टेटहुड के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के लिए, और बहुत सारे हमारे एरिया जो इधर उधर बिखरे हुए थे उनको मिलाने की बात की गई। अंडर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 1956 में हुआ, हिमाचल बिकेम द यूनियन टेरिटरी बन गया जब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आया 1 नवंबर 1954। And again, the Lieutenant Governor took the charge of overall administration of the Pradesh and the Ministry system was dissolved. तो मैंने आपको पहले बताया कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ डॉक्टर वाई एस परमार जी ने डिस्कशन की कि हमें एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा तो नहीं मिला लेकिन यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। लेकिन उससे क्या हुआ, जो हमारा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना हुआ था, एक मिनिस्ट्री सिस्टम क्रिएट की, तो उसको डिसॉल्व कर दिया और दोबारा से ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम शुरू कर दिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर पूरा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलने लगा। तो अब क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मेक कंट्रोल ओवरऑल लोकल अफेयर्स, जितने भी लोकल अफेयर्स थे, जितने कामों को चलाने के लिए, उनका प्रबंधन करने के लिए, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल काउंसिल एक्ट 1956, जिसमें डायर की मतलब दो प्रकार की या ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट की है, या दो प्रकार से जो चीजों का व्यवस्था की जाने लगी। और ये चीजों की या सब्जेक्ट की व्यवस्था किस प्रकार से करने की जाने लगी, वो इस प्रकार से, जो सब्जेक्ट कंट्रोल करने के लिए दो प्रकार के रूलर बनाए गए। फर्स्ट द चेयरमैन ऑफ टेरिटरी काउंसिल, एक टेरिटरी काउंसिल बनाई गई, उसमें कुछ लोग जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनका एक चेयरमैन होता था, कह सकते हैं कि एक वो हमारे द्वारा चुने तो नहीं होते थे, वो नॉमिनेटेड होते थे, लेकिन वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं कुछ हद तक। तो इस टेरिटरी काउंसिल का चेयरमैन ये किसके साथ काम करता था, साथ में काम करता था लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटर होता था, और उनको कौन कौन से सब्जेक्ट या कौन कौन से विषय पे वो काम कर सकते थे या उनको आजादी थी जिन पे वो चर्चा कर सकते, वो थे एजुकेशन, विलेज रोड, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग, कंट्रोल ऑन पंचायत, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। और ये जो चेयरमैन होता है इसको कहाँ से इलेक्ट किया जाता, तो ये जो टेरिटोरियल काउंसिल के जो मेंबर होते तो वो लोग इस चेयरमैन को इलेक्ट करते थे, और जो पहले चेयरमैन थे ये टेरिटोरियल काउंसिल के वो थे ठाकुर करम सिंह, जिन्होंने ऑफिस 15 अगस्त 1957 को एज्यूम किया था। अब दूसरा रूलर कौन था, दूसरा सब्जेक्ट में कौन कौन से लोग या किन के पास अधिकार थे रूल करने के, द सेकंड ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट इस प्रकार से थे, वह है फाइनेंस, जैसे जो विषय खास खास थे उन पे जो उनका एडमिनिस्ट्रेटर था लेफ्टिनेंट गवर्नर वही उन पे काम कर सकता था, उन पे चर्चा कर सकता है, उसके पास ही अधिकार थे, वो था फाइनेंस, किसी प्रकार के अपॉइंटमेंट करनी है या जुडिशियरी से, न्यायालय से संबंधित, लॉ एंड रेवेन्यू से रिलेटेड, ये सारे कंट्रोल किए जाते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा। अब टू गिव द लेजिस्लेटिव पावर ऑन द डिमांड ऑफ पीपल, अब जो लोगों को क्या था, अभी बोल सकते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया हमने, यूनियन टेरिटरी बनाई, अभी भी लोगों के पास उस प्रकार से आज़ादी नहीं थी काम करने के लिए, या डेमोक्रेटिक सिस्टम अभी तक क्रिएट नहीं हुआ था जैसे लोग चाहते थे। तो इस लेजिस्लेटिव पावर को बढ़ाने के लिए लोगों के अंदर बहुत सारी रिजेंटमेंट था, बहुत सारी स्ट्रगल कर रहे थे लोग, बहुत सारी डिमांड थी, तो इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो नेक्स्ट स्टेप वो इस प्रकार से, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास यूनियन टेरिटरी एक्ट 1963। अंडर दिस एक्ट हिमाचल प्रदेश अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली वाज फॉर्म्ड। तो मैंने बोला कि जब यूनियन टेरिटरी बनी तो यूनियन टेरिटरी में जो लेजिस्लेटिव सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया और फिर से लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आ गया, लेकिन यूनियन टेरिटरी एक्ट जब 1963 बना तो उस लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से फॉर्म किया, रिक्रिएट किया गया, और 3 मेंबर मिनिस्ट्री बनाई गई जिसका हेड बनाया गया डॉक्टर वाई एस परमार, और दूसरे जो मिनिस्टर थे वो थे ठाकुर करम सिंह और हरि दास। अब 1965 में क्या हुआ, डिसाइड किया गया कि कॉन्स्टिट्यूट ए सेपरेट सिविल और पुलिस कैडर ऑफ यूनियन टेरिटरी, एंड ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ द लैंग्वेज इन दिल्ली ने एंड वन रिक्वायर हिमाचल कंबाइंड कैडर वॉज क्रिएटेड, इसका नाम था धानी। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना, मैंने यहाँ पे ये बोला कि अब धीरे धीरे डिमांड की गई थी कि एक सेपरेट सिविल और पुलिस सर्विसेज यूनियन टेरिटरी हिमाचल के अंदर क्रिएट किया जाए। तो उस टाइम यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी थी और अंडमान निकोबार भी था, वहाँ पे भी एक सिविल सर्विसेज या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्रिएट करने की जरूरत थी। तो इन तीनों की भाषा के आधार पर सिमिलरिटी को देखते हुए एक कंबाइंड कैडर बनाया गया सिविल सर्विसेज का, तो उसको नाम दिया गया धानी, ठीक है। तो 1967 में क्या हुआ, 2 मोर मिनिस्टर वे एडेड, अब जो हमारे पास मिनिस्ट्री क्रिएट की हमने उसमें 2 और मिनिस्टर डाल दिए जिसका नाम, उनका नाम था बख्शी प्रताप सिंह और लाल चंद प्रार्थी। फिर फरवरी 1967 में एक इलेक्शन सिस्टम, नया इलेक्शन क्रिएट किया गया, या ज्यादा सीटें जब बढ़ाई गई तो जो इलेक्शन हुआ वो 60 सीटों के लिए हुआ, ठीक है।
जिसमें से अधिक से अधिक सीटें जो मेजोरिटी ऑफ सीटों कांग्रेस को ने ले ली और कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की 14 मार्च 1967 में। वाईएस परमार जी ने एज ए चीफ मिनिस्टर की शपथ ली। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हिमाचल में विभिन्न प्रकार की एरियाज को, जो पंजाब के एरिया को या हिमाचल के ही बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज को इंटीग्रेट किया गया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आई थी कि कॉन्सिक्वेंसेज ये हुआ था कि 8% जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ था वो हिमाचल के बाहर से था। इंटीग्रेशन के बाद जो मेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग थे वो बाहर के थे, तो वो लोग अपने ही प्रॉब्लम या अपने सर्विसेज के प्रॉब्लम से ही उलझे रहते थे। तो इस सिस्टम को यूनिफाई करने के लिए एक सर्विस सिस्टम, पे सिस्टम से बोल सकते हैं, अलाउंसेस सिस्टम या सीनोटी सिस्टम को यूनिफाई करने के लिए, एक करने के लिए डिमांड की गई। तो उसके लिए एक अलग से कमीशन बनाया गया और 1964 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया गया, यूनिट बनाया गया हिमाचल प्रदेश का, और उसने विभिन्न प्रकार की रिकमेंडेशन दी कि हिमाचल प्रदेश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको किस प्रकार से रिस्ट्रक्चर किया जाए, उसकी संरचना कैसी की जाए। तो उसने पहले बात की कि हमने बेसिक स्ट्रक्चर और गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है या उसके विभाग हैं या डिपार्टमेंट, उनको स्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी। तो उसने बोला कि ग्रुपिंग ऑफ सब्जेक्ट इनटू डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट या विषय के आधार से हमने डिपार्टमेंट बनाने, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिसी हो गया, फाइनेंस हो गया, वाटर हो गया, तो इनको सब्जेक्ट के आधार से हमने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं। और द चार्जेस ऑफ सेक्रेटरीज, तो उनके चार्जेस जो जो अलग अलग काम है कार्य और सेक्रेटरीज को देने हैं। उसके बाद मिनिस्टर्स को क्या क्या पोर्टफोलियो देने, क्या क्या काम देने, क्या क्या कार्य देने, तो इसका विभाजन करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो विभाजन या जिस पर बात की गई थी वो कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, कि वित्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन बनाना पड़ेगा, किस प्रकार से हम 1 ईयर या 5 ईयर प्लान बनाए या लॉन्ग टर्म प्लान कैसे बनाए बनाया जाए, इस पर एक विभाग होना चाहिए। उसके बाद पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो आपके पास स्टाफ है उनके एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से होनी चाहिए, उनके रिक्रूटमेंट या ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, तो इसके लिए एक अलग विभाग होना जरूरी है। उसके बाद इंटर डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट के अंदर किस प्रकार से इंटर डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, इसके लिए अलग से एक सब्जेक्ट पर भी शुरुआत की गई। उसके बाद रिलेशनशिप हिमाचल प्रदेश का एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसा होना चाहिए, अब एक सेंटर का और स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसका रिलेशनशिप किस प्रकार से होना चाहिए, ताकि वो स्टेट जो सेंटर के गाइडलाइंस को फॉलो कर सके और उसके हिसाब से आगे चल सके। तो ये सारे पॉइंट्स इस रिफॉर्म कमीशन में डिस्कस किए गए कि हमने इस प्रकार से अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो मैटर लिया, अब हमने जो हमारी कोशिश थी, जो हमारा स्ट्राइव ये था कि हमने फुल फ्लेज स्टेट बनना है, पूर्ण राज्य का दर्जा लेना। तो मैंने आपको पहले बताया कि हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी थी उसने जो नेशनल कांग्रेस कमेटी के पास ये एक मैटर को, इस मैटर को लिया गया कि इस हमने हमें फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा चाहिए। तो 31 जुलाई 1970 में हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिल इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, दोनों हाउसेज में इसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और 18 दिसंबर 1970 में स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट पास किया गया, और 25 जनवरी 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, और उस टाइम हिमाचल प्रदेश 18वां देश का एक फुल फ्लेज स्टेट बना। और चीफ जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बने वो बने डॉक्टर वाईएस परमार। तो अब हम बात करते हैं कि उस टाइम जुडिशियल या न्यायालय जो प्रशासन था वो किस प्रकार से था। तो दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 पास हुआ था जुडिशियल सिस्टम को अपनाने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार था, उसमें हमने अपनी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को उनके साथ मर्ज करके उनके अकॉर्डिंग टू चलाया। उसी प्रकार से जो जुडिशियल सिस्टम को चलाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट एक्ट के अंतर्गत हमारे देश के अंदर जो जुडिशियरी सिस्टम काम कर रही थी। लेकिन जब हमने फुल फ्लेज स्टेटहुड मिल गया 1971, तो हमने क्या किया, एक 3 मेंबर हाईकोर्ट अपना स्टार्ट किया, और जिसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो थे जस्टिस मिर्जा अहमदुल्ला बेग। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो फाइनल हमारे पास आया वो किस प्रकार से था। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर जो आज भी कैरी आउट हो रहा है, ये स्ट्रक्चर्ड हुआ था 21/08/1989 को। तो इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, तो 12 डिस्ट्रिक्ट अभी भी इसी प्रकार से चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है। तो इन 12 डिस्ट्रिक्ट में पहला डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर था, उसके बाद चंबा, उसके बाद हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति,
मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन और आखिर में था ऊना। तो अब हम बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हिमाचल प्रदेश का प्रेजेंट टाइम में, जो स्टेट लेवल या डिवीजन लेवल या डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल में किस प्रकार से है। तो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो सुप्रीम अथॉरिटी है हिमाचल के अंदर, जो पूरे गवर्नेंस सिस्टम को चला रही है। तो किसी आप हमारे पास जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं और उसका एक फिक्स टेन्योर है, फिक्स समय है, उसके आधार पे ही वो काम करती है। और उसके बाद जब इलेक्शन होते हैं कुछ जो फिक्स टेन्योर के बाद, तो हम अपने नए लोगों को चुनते हैं और उसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हेड है, जो गवर्नर है, वो भी चेंज होता है। तो आज बोलते हैं कि जो सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास है, गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है, जब हमारे प्रतिनिधि को हम चुन के भेजते हैं। तो एग्जीक्यूटिव हेड स्टेट का मैंने पहले बताया कि गवर्नर है, जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। और जो गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, वो होता है चीफ मिनिस्टर, जो कैसे काम करता है, वो विद द हेल्प एंड एडवाइस ऑफ जो उसके जो मिनिस्टर होते हैं, उनके साथ काम करता है। जो प्रेजेंट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो हमारे पास, वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब जहां पे एक हाउस होता है, जैसे कहीं पे किसी स्टेट में विधानसभा, विधान परिषद दो हाउसेस है, तो वो हो जाता है बाइकैमरल। जहां पे एक ही हाउस हो तो उसको बोलते हैं यूनिकैमरल। तो जो नेम है हमारा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसको हम बोलते हैं विधानसभा, और हमारे जो राज्य का जो कैपिटल है वो शिमला है, और हाई कोर्ट भी हमारे शिमला में ही लोकेटेड है। अब हम करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में बात। जो प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हिमाचल प्रदेश का है, वो डिवाइडेड है 12 डिस्ट्रिक्ट में, जो कि हमने 1989 में पढ़ा था, वही डिस्ट्रिक्ट अभी भी कैरी आउट हो रहे हैं। तो इनको हमने ग्रुप किया है अलग अलग, इन 12 डिस्ट्रिक्ट को 3 डिविजन्स में, अलग अलग डिविजन्स में 12 के 3 डिविजन्स बनाए हुए हैं उसके, जो कि है शिमला, कांगड़ा और मंडी। तो 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने 3 डिविजन में डिवाइडेड किया। उसके बाद जो डिविजन्स बनाए हैं हमने, इन डिविजन्स को हमने डिवाइड किया फर्दर सब डिविजन्स में, वो है 69 डिविजन। तो उसके बाद हमारे पास है 78 ब्लॉक्स हैं, 145 तहसील हैं। और हमारे राज्य के अंदर जो पंचायत राज या रूरल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, वो थ्री टीयर है, 3 प्रकार से विभाजित है रूरल गवर्नमेंट करने के लिए। और जो हमारे पास जो पंचायत राज जो सिस्टम है, वह है 3,226। तो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में या रूरल गवर्नमेंट में जो सिस्टम हमने क्रिएट किया, उसमें है 12 जिला परिषद, 75 पंचायत समिति और 3,226 ग्राम पंचायत। अब अर्बन के लिए भी हमने, अर्बन लोकल गवर्नमेंट के लिए भी हमने सिस्टम क्रिएट किया कि वहाँ की गवर्नेंस को कैसे चलाना है। तो अर्बन गवर्नेंस सिस्टम के लिए हमने एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है हमारे पास, वो है शिमला में। उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, 28 नगर पंचायत हैं, और इसके अलावा हमारे पास 7 कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। कंटोनमेंट बोर्ड वो होते हैं जहाँ पर जो आर्मी एरिया होते हैं, तो वहाँ के लिए भी हमने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम क्रिएट किया गया है म्यूनसिपल एरियाज के लिए। तो इस प्रकार से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है हिमाचल प्रदेश का प्रेजेंट में डिवाइडेड है। तो अब हम थोड़ा फिगर आउट करेंगे डायग्राम या टेबल के थ्रू, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वो इस प्रकार से दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे से याद करना है। उसके बाद डिविजन्स, इन 12 डिस्ट्रिक्ट को हमने 3 डिविजन्स में विभाजित किया गया। कांगड़ा, कांगड़ा में कौन कौन से एरियाज आते हैं आपने याद रखना है, ताकि आपको एज ए जनरल नॉलेज आपको कहीं पे क्वेश्चन आ सकता है और आपके इस पेपर के एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो कांगड़ा में आता है चंबा, कांगड़ा और ऊना। और मंडी में आता है बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति एंड मंडी। और शिमला में क्या क्या आता है, वह है किन्नौर, शिमला, सिरमौर एंड सोलन। अब हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के फिगर्स हैं बहुत सारे, उनके बारे में जानेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट 12 है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। डिविजन 3 है, सब डिविजन 69 है। तहसील और सब तहसील हमारे पास 169 है। डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं 78। और अर्बन लोकल बॉडीज को बोलेंगे म्यूनसिपल काउंसिल, जो कि है 54। टाउन्स हमारे पास 59 है। नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन 125 है। ग्राम पंचायत 3,226 है। विलेजेस हैं 20,690। और उसके बाद लोकसभा में हमारी कितनी सीट है, जैसे कि आपने पता है कि हमारे पार्लियामेंट सिस्टम है, लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस, और दोनों हाउसेस में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जानते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा में है 4 और राज्यसभा में है 3। और जो हमारी असेंबली है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है, उसके जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिवाइडेड किया गया है, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव वहां जाके सरकार बनाते हैं, या टोटल
स्ट्रेंथ है उसको बोलते हैं 68। तो डियर स्टूडेंट, इसी प्रकार से पूरा सिलेबस इस यूनिट का खत्म हो चुका, ज्यादा लंबा नहीं है, हमने ब्रीफ में इसको करने की कोशिश की जैसे कि मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर हम एज जी पढ़ रहे हैं तो एज ब्रीफ जितना हो सके हम कोशिश करते हैं इसको पढ़ने की, ताकि स्टूडेंट को जो हमारे उसके मेजर और माइनर सब्जेक्ट ऊपर ज्यादा ध्यान दे सके। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस भी करें बेल आइकन को, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलती हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, यूनिट 3 में।